जानते हुए खुदावों के इरादों को पूरा करें।
की छह मुकदस में खुदा यसूसी का शागिर्द कहता है कि हमने एक को तेरे नाम से रूहों को निकाल के देखा, और खुदा यसूसी से कहते हैं कि जो कोई हमारे मुखालिफ नहीं वो हमारे साथ है। आए खुदा के हजूर आकर हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि लायक और वाजिब तौर पर इन बाग में शामिल हो। मैं गाने मगर वो कैमा से बाहर ना गए और वो कैमा का
पानी से मूसा का कालिम था, कहा आए ले आकर मूसा उनको मना कर। तो मूसा ने कहा तू मेरे लिए क्यों गैर करता है, काश के खुदावन के सब लोग नबी होते और खुदावन अपनी रूह खुद पर डालता। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो। जबूर जमाई के जवाब खुदावन की कवायद दिल को मसरूर करते हैं। खुदावन की शरीयत काबिल है, जान को बहाल करने वाली है। खुदावन की शहादत काबिले एतमाद है, कुल जिन को भी दानिश बख्शने वाली है। जमाई की जवाब खुदावन की कवायद दिल को मसरूर करते हैं। खुदावन का कौन पाक है और अबद तक कायम रहने वाला है। खुदावन की कज़ाएं और हक हैं, सब की सब रास्त हैं। जमाई की जवाब खुदावन के कवायद दिल को मसरूर करते हैं। चुनाचे तेरा कादिर उन पर गौर करता है, उनके मानने का बड़ा अजर है। लेकिन कौन खुदा को पहचान सकता है, पशीदा रहमत से मुझे पाक करे। जमायती जवाब खुदा के कवायद दिल को मसरूर करते हैं। तो अपने कादम को गुरू से भी बाज रख, ताकि वो मुझ पर बारी ना आए, तब मैं काम लूंगा और कबीरा गुनाह से साफ होऊंगा। जमायती जवाब खुदा के कवायद दिल को मसरूर करते हैं।
लेकिन यूहन्ना ने यीशु से कहा कि ऐ उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से मजरूहों को निकालते देखा और वो हमारा पैरों में और हमने उसे मना किया। तब यीशु ने उससे कहा कि उसे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम पर मौजदा करे और जल्द मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। इसलिए जो कोई मेरे नाम पर तुझे एक प्याला पानी पीने को दे, इस लिहाज से कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपने अजर से हरगिज़ महरूम ना रहेगा। और जो कोई उन छोटों में से मुझ पर ईमान लाते हैं, किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि चट्टी का पहाड़ उसके गले में डाला जाए और वो समंदर में फेंका जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे काट डाल। जिंदगी में कुंडा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि तू दो हाथ रखकर जहन्नम में जाए। इस आग में जो कुछ भी नहीं, और अगर तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में लकड़ा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पांव रखकर जहन्नम में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे निकाल डाल। खुदा की बादशाही में काटा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें रखकर तू आग के जहन्नम में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा मरता नहीं और आग घुसती नहीं। अजीरे मुकद्दस के वसीला से हमारी खुदाई मुआफ़ की जाए। तो आज का कलाम हमें खुदा पर ईमान लाने की और फ़ख़्र की दावत देता है। हमने सुना खुदा यीशु मसीह कहते हैं, अगर कोई तुम्हें मेरे नाम पर पानी का एक प्याला भी पिलाए तो वो हरगिज़ अपना अजर ना खोएगा। अगर हम कलाम पर गौर करें तो आज का सारा कलाम हमें खुदावंद की अदायत करने के लिए, उसके पॉइंट को मानने के लिए और खुदा के हुक्मों पर अमल करने के लिए दावत देता है। आज की पहली तिलावत अदद की किताब में से ली गई और अदद के 11वें बाब में दो वाक्यात बयान किए गए। पहला वाक्यात कि बनी इसराइल कौम खुदा पर और मूसा पर टुकराते हैं कि हम वहाँ पर मिस्र में गोश्त की हड्डियाँ खाते थे और यहाँ तो हमें निकाल लाया है ताकि हम भूख और प्यास से मरे। उसके बाद खुदा मूसा को कहता है कि तू 70 बुजुर्गों को चुन ताकि वो तेरे साथ हो, क्योंकि मूसा ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा लोग हैं और मैं अकेला इनके दरमियान किसता हूँ, ये मुझे दबाते हैं। और खुदा ने उससे कहा कि तू 70 बुजुर्गों को अपने साथ चुन ताकि वो तेरे साथ हो और तेरे साथ नबूवत करे। नबूवत करे यानी खुदा उन पर अपना रूह भेजता है और वो मूसा के साथ खुदा के उन कामों को, खुदा के उन बुजुर्गों को समझ सके जो खुदा मूसा से और बनी इसराइल कौम से चाहता था। इसलिए जब मूसा ने 70 बुजुर्गों को इकट्ठा किया, कैमल का में लेकर गया, तो खुदा अपनी रूह जो है वो उन 70 बुजुर्गों पर भेजता है और वो नबूवत करना शुरू करते हैं। नबूवत से मुराद ये नहीं कि पेशगोई करना, बल्कि पुराने अहदनामे में नबूवत से मुराद है कि लोगों का वजन में आ जाना। वो खुद अपने आप खुदा का हुक्म नाज़िल होता है और वो अपने आप बोलना शुरू करते हैं, खुदा की तजदीद करना शुरू करते हैं और खुदा की तारीफ करना शुरू करते हैं। इसलिए जब वो लोग जब कैमागा से बाहर निकले हैं 70 बुजुर्ग और मूसा, और उनमें से दो जो हैं वो पीछे रह गए, कैमागा ही में रह गए और वो नबूवत करते हैं। वो खुद ही खुदा की आहूकार में है, वो खुदा की तस्वीर करना शुरू करते हैं। और योशा बिन नून जो मूसा का पैरो था, मूसा का शागिर्द था या मूसा का साथी था, वो मूसा को जाकर कहता है कि दो जो हैं वो पीछे रह गए, दो वहाँ पर नबूवत कर रहे हैं। और मूसा उसे कहता है कि तू मुझ पर शक करता है, काश के खुदावंद के सब लोग जो हैं वो नबी होते, काश के सब लोग जो हैं वो खुदा को जान सकते। इसलिए आज की पहली नावत और अंजील मुकद्दस जो है वो मिलती जुलती है इस तरह से कि मूसा का शागिर यूशा जो है वो शिकायत कर रहा है कि पीछे दो लोग हैं जो नबूवत कर रहे हैं। और नए आज नामे में खुदा यीशु मसीह के
जाकर योहन्ना को है वो भी यही कहता है कि मैंने एक को तेरे नाम से मजदूरों को निकालते देखा है। फिर से जो हसद जो है वो इंसान के दिल में है जो कभी जा नहीं सकता, लालच जो है वो इंसान के दिल में पाया जाता है। इसलिए ज़बूर 20 साल के ज़बूर में कहता है कि पोशीदा बदियों को कौन जान सकता है या पोशीदा बदियों को कौन दूर कर सकता है, सिर्फ खुदावंद है जो पोशीदा ऐबों से हमें पाक करता है। यूशा बिन नून ने भी हसद करता कि सिर्फ एक ही नबी होना चाहिए और वो कौन है, वो मूसा है। और नए अहदनामे में अर्जीन मुकदस में खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द जो है यूहन्ना वो भी अपने दिल में हसद करके कहता है कि और तो कोई यीशु की तरह या यीशु के काम कर ही नहीं सकता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसे क्या जवाब दिया था कि उसे मना ना करो क्योंकि जो कोई हमारे साथ नहीं वो मेरे खिलाफ नहीं हो सकता। मेरे जो आज की जीवन मुकदस में तीन वाक्यात याद किए हैं, पहला कि यूहन्ना जो है वो कहता है कि मैंने एक को तेरे नाम से मजदूरों को निकालते देखा है और वो हमारा पैरो नहीं है, हमारा साथी नहीं है, वो तेरा शागिर्द नहीं है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि उसे मना ना करो क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम पर भरोसा करे और जल्द मुझे बुरा कह सकते। खुदावंद यीशु मसीह किसके काम करता था, खुदा के काम करता था। वो अगर कोई मौजदा करता है तो वो खुदा का काम करता है, अगर वो तालीम देता है तो वो खुदा का काम करता है। और वो शख्स जो मसीह के नाम पर मजदूरों को निकालता है वो किसका काम करता है, वो भी खुदा का काम करता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह किसका मुकाबला करता है, बदी का, बुराई का और गुनाह का मुकाबला करता है। और वो शख्स जो मसीह के नाम पर मजदूरों को निकाल रहा है वो भी बुराई का और गुनाह का मुकाबला कर रहा है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा कि उसे मना ना कर क्योंकि वो भी मेरे साथ है, वो मेरे खिलाफ नहीं बल्कि वो मेरे साथ है। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने दो बातें कही है कि अगर कोई मुझे मेरे नाम पर मकबूल करता है तो वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा, और अगर कोई मेरे वजह से तुम्हें ठोकर खिलाए तो उसके लिए बेहतर यह है कि चट्टी का पहाड़ उसके गले में डाला जाए और वो समंदर में फेंका जाए और वो हलाक हो। मेरे सिद्धो अगर हम किसी के लिए मसीह में होते हुए किसी के लिए ठोकर का बायस बनते हैं तो मसीह यीशु ने कैसी सजा तैयार की है कि वो शख्स जो ठोकर का बायस बनता है दूसरे के लिए वो सिसक कर बनना चाहिए। क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को मसीह ईमान से दूर किया है और मसीह के पैरों नहीं बल्कि उसके शागिर्द होने ना होने के लिए दावत दी है। और जो मसीह को मानता है मसीह पर मान रखता है और दूसरों के लिए मसीह ही का गवाह ठहरता है उसके लिए खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। और इंजील का आखिरी हिस्सा है कि अगर तेरा हाथ, तेरा पांव और तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो तू उसे निकाल डाल। जिस तरह डॉक्टर जो है वो सारे बदन को बचाने के लिए एक हिस्सा जो है वो काट देता है, जिस्म का कोई भी हिस्सा अगर खराब है तो वो क्या करता है कि बाकी हिस्सा बचाने के लिए, बाकी हिस्से को महफूज रखने के लिए वो एक हिस्से को जाया कर देता है। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम हमेशा की जिंदगी चाहते हो, खुदा की बादशाह में दाखिल होना चाहते हो तो बुरे कामों को छोड़ो, बुरे कामों को तर्क करो तो फिर तुम खुदा की बादशाह में दाखिल हो सकते हो। खुदावंद यीशु मसीह हसद और लालच को दूर करने की दावत दे रहे हैं कि वो हसद और लालच जो हमारे दिलों में है हम उसको दूर करें, उसको अपने दिलों से निकालें तो फिर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। आए आज के इस कलाम पर अमल करते हुए हम खुदा के हुक्मों को अजीज जाने और अपनी पोशीदा ऐबों से पाक हो ताकि हम खुदा की बादशाह से दाखिल हो सकें और खुदा के बरगजीदा ठहर कर अपना अजर कभी ना खोए बल्कि उन लोगों की मालिक बने जो दूसरों के लिए मसीह के गवाह ठहरते हैं। मसीह हमारे खुदा के वसीला से हम अपने ईमान का इकरार करें, सुनो का अकीदा मैं करता हूं खुदा का जो आसमान और जमीन का खालिक है
और यीशु मसीह का जो उसका इकलौता बेटा वाला खुदावंद है वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा कमर मरियम से पैदा हुआ उसने पैर को सुला उसके हर में दुख उठाया मसलूक हुआ मर गया दफन किया गया बरसत में उतरा तीसरे रोज मर्दों में से सीखा आसमान पर चढ़ गया खुदा का आदम अपने बाप के दाहिने हाथ बैठा है वहां से वो दोनों मर्दों की इबादत के लिए आने वाला है मैं वहां रखता हूँ रूह कुदस पर अकसों की शराकत गुनाहों की माफी जिस्म के जुड़ने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन खुदावंद आज के इस गुलाम पर अमल करते हुए हमारे दिलों को पाक करे हमारे पुशीदा को मजबूत करे ताकि हम हसरत और लालच को छोड़कर खुदावंद की इबादत और प्रस्तुत करें प्रसिद्ध स्पष्ट के लिए पाक करें हम दुआ करें अपने फादरों सिस्टरों के लिए उन खदमों के लिए दिन रात तेरे पाक कलाम की खिदमत करते हैं ऐ बाप समानी उनको दिन दुगनी रात चौगनी बरकत दे उनके आने जाने उठने बैठने चलने फिरने में उनकी निगाहबानी हिफाजत कर इस मकसद के लिए हम दुआ करें Yeah.
हमारे दीवार का
हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक के तू ना आए। असल बाप हम तेरे बेटे के बदले और जी उसने कोई याद करते हैं, जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आशी के साथ इंतजार करते हैं, बस दे के हम उसी का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा आपकी कलीसिया को याद कर और साथ ही पर हमारे बाप को फ्रांसिस, हमारे मुस्लिम आला आज बिशप सदस्य और अपने सब साथियों को याद रख। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली है, उसे कामल मुहब्बत प्रदान करना। अपने बंदों और पतियों पर नजर कर, सेवियर फ्रांसिस, एलिस रोजा करीम, सलीम शहजाद, फादर इसहाक, अलाइज मसीह, मन्ना बीबी, अनवर के और जैन अब्बास पर नजर कर जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास निकाल दिया है। बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ थे, उसी तरह वो जी उठने में भी उसके साथ रहे। प्लीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। आप तुझसे विनत करते हैं हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की हमारे कुमार को हमारी मरियम मुकद्दस यूसुफ हमारी खूबसूरत और उन सब कदसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दो सलाम कर सके। उसी के लिए उसी के साथ और उसी का अपने खुदा बाप को उसकी वादानियत में काबिल इज्जत और तासीर कायम है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदा ने हमें सिखाई है। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर हो जाती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ रोटी आज हमें दे और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्श दे, तू हमारे कर्ज हमें बख्श और मैं बिना पढ़ने के लिए बल्कि बुराई से बचा। आमीन। अरे खुदा तुझसे विनती करते हैं सब अधीन से बचाए, तू हमें सलाम की बख्श का आगे तेरी शरकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हम गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहे। जो के बाद जहां कुदरत और जलाल में शर दे रहे हैं। अरे खुदा ने सूसी को अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलाम नहीं छोड़े जाता हूँ, मैं कुछ सलाम की तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलाम की और इतहाद बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। दाऊद की सलामती आप सबके साथ। आपके साथ हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना बादशाह में रहने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। हमारे खुदा का बदन रे तू जहां के ग्राम को ढाल देता है हम पर रहम कर। हमारे खुदा के बदन तू जहां के ग्राम को ढाल देता है हम पर रहम कर। हमारे खुदा के बदन तू जहां के ग्राम को ढाल देता है हमें शांति दे। यह खुदा का बदला जो हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है, हमारी क्या हम सब उस बदले की ज़ियादत में बुलाए गए। ए खुदा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे हाय तू कह दे कि मैं तुझे चुपा पाएगी। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। Yeah.
अपने बारे में जैसे कि ये जा चुके हैं, लेकिन हम फिर आगे उनके ये राना बताते हैं कि हमारी ज्यादा तकलीफ है, वो बहुत करीब हैं और इन दिनों में हम कोशिश करें कि अपने घरों के चारों तरफ गलियों बाजारों को भी साफ रखें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से इलाकों से मेहमान आते हैं और हमें गांव का एक अच्छा माहौल, साफ सुथरा माहौल मिलना चाहिए। खासतौर पर जो पब्लिक प्लेस हैं वहाँ लोगों ने जरा रगड़ी वगैरह लगाई हुई है, मेहरबानी से वो जरूर उठाएँ ताकि एक अच्छी सफाई वाला माहौल है इनके लिए। और इसी के साथ ये पिछले एतवार में ऐलान किया गया था कि ज़ियारत के दिनों में इबादत की किसी भी जगह पर या किसी भी जगह जहाँ पर रुकान हो रहा है तो कोई नशे की हालत में मेहरबानी करके वहाँ ना आए। अगर कोई नशे की हालत में वहाँ आएगा तो ज़रूर उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ ये बार बार ऐलान किया जाता है कि वक्त की पाबंदी करें, जब आप सब जो है वक्त पर पहुँच जाएंगे तो इबादत से वक्त पर शुरू हो जाएगी, इसलिए हमें ज़रूर वक्त की पाबंदी करनी चाहिए और वक्त पर पहुँचने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ ऐलान किया गया था कि इबादत के दिनों में किसी भी जगह पर हमें कोई भी मशकूक जो है वो शख्स नजर आता है तो वो ब्राइलर पानी सिक्योरिटी मेहमान से या जिम्मेदारान से जो है वो ज़रूर रब्ता करें। और इसके बाद एक और ऐलान किया गया था, याद दिलाया जाता है, खासतौर पर ये ऐलान सिक्योरिटी के नौजवानों के लिए है जो हर साल पुराने पार्ट पहनते हैं और फिर वो हालात जब खराब होते हैं, तो इस साल वादे तौर पर 2021 लिखा गया है और कोई भी पुराना कार्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ जो है वो 2021 के कार्ड जिनको दिए जाएंगे, सिर्फ वही सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगे। और इसके साथ आबादात के बारे में ऐलान है कि ये हर साल ज़ियारत के दिनों में बाइबल क्विज होता है और इस साल बाइबल क्विज जो है वो 2 दिन रखा गया है और उन दोनों दिनों में जो पहला दिन है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके पहले 15 बाब में से है और दूसरा दिन जो है वो मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले 15 बाब में से है और उसके लिए तैयारी हो रही है, सवाल बनाए गए हैं, कुछ बना रहे हैं और जो भी बच्चे नौजवान उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो अभी से अच्छे तरीके से तैयारी करें, दोनों दिनों में हिस्सा ले सकते हैं, तो पहले दिन भी हिस्सा लेगा और दूसरे दिन में भी हिस्सा ले सकता है और जो मील के प्रोग्राम में सही जवाब देता है उसको इनाम भी जरूर दिया जाता है। और इसी के साथ ज़ियारत के बारे में ऐलान है कि गीत संगीत का जो है वो हर साल जो है वो मौका मिलता है और ये शर्त होती है कि जो गीत संगीत है गीत गाने वाले जो हैं वो कस्सा मरियम की शान में ही गीत गाएँ, पर वहाँ आकर फिर बहुत गीत गाना शुरू कर देते हैं, फिर उनको मना करना पड़ता है कि ये ज़ियारत के दिन हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि कस्सा मरियम की शान में ही गीत गाए जाएँ और उनके लिए भी 2 दिन का वक्त रखा गया है और जिम्मेवार वाले दिन भी उसके पास आए होगा जिसकी जो है मेज़बानी मकबूल शहजाद और सरकार मरियमी करेंगे और फिर इसके बाद हफ्ते वाले दिन जो है वो भी गीत संगीत का जो है वक्त रखा गया है और जिसमें हमारे मुकामी गुरुकार जो हैं या शौकिया गुरुकार जो हैं वो हिस्सा लेंगे और हफ्ते वाले दिन जो गीत संगीत की मेज़बानी है वो टावर कूटा और टीपू करेंगे, तो इस तरह आप इन बाजार में जरूर जो है हिस्सा भी लें और नज़्म व ज़ब्त को भी कायम रखें। और इसके साथ आखिरी ऐलान ये भी है कि 75वीं पैरिश की जानब से है रेवरेंड फादर आसफ अनवर मलक पैरिश की जानब से है कि 1 अक्टूबर को ये आने वाला जुमा जो है फतेहपुर में एक रोज़ा ज़ियारत है और उस ज़ियारत में सारी गरीबों की क्रिसिया को दावत है और ये इबादत शाम के वक्त में शुरू होगी तकरीबन 4 बजे की करीब, तो आप जरूर उसमें शिरकत करें, वहाँ भी दुआ करें, अपनी जरूरतें पेश करें और आप जरूर जाएं ताकि खुदा की बरकत हासिल करें। जिन्हें इश्तहार की जो है वो प्रोग्राम जो है वो आपको थोड़े से बता देता हूँ ताकि हमें याद रहे, हम दूसरों को भी जरूर इतला करें। वैसे तो इन दिनों में ये हमारा जो भी दौर चल रहा है ये मीडिया का दौर है, आप मीडिया के जरिए जरूर ये इश्तहार दें और दूसरों तक पहुँचाएँ, फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी एक दूसरे को शेयर करें और दूसरे अपने रिश्तेदारों को जो दूसरे
शहरों में हैं उनको भी जरूर इबादत के लिए दावत दें, प्रोग्राम इख्तियार के लिए जरूर दावत दें। हमारा जो ज्यारत होगी वो 7 अक्टूबर 2021 को जमेरात को होगी और ज्यारत का आगाज शाम 4 बजे करेंगे, मेहरबानी से वक्त की पाबंदी करेंगे और इफ्तिताही जुलूस बाहर मोमबत्तियाँ होगा। हमारे हर हर एक जो जुलूस में आएगा अपनी मोमबत्तियाँ जरूर साथ लेके आए और ये जुलूस हम इस साल खजूर चौक से पहाड़ी तक लेके आएंगे और पालकी के साथ लेके आएंगे ताकि हम कसम अमरीत की हकीकत अपने दिलों में ज़ाहिर तौर पर भी और ईमानी तौर पर भी जो है वो उसका इजहार कर सकें और इसकी तैयारी का जो इंतजाम है जुलूस की वो सिलसिला रोटरी ग्रुप और थ्री ललितपुर यूथ ग्रुप की जिम्मेदारी है, वो जरूर उसकी तैयारी करवाएं और उस बाजार को भी कोशिश करें कि मिल के लोगों से मिलकर उसकी सफाई जरूर करें। उसी दिन जो है वो रस्म ताजपोशी होती है, हम बड़ी अकीदत के साथ जो है रस्म ताजपोशी अदा करते हैं तो जिसकी तैयारी जो है वो इतनी बड़ी गर्ल्स हाई स्कूल और हमारी दोनों सिस्टर जो है वो करवा रहे हैं। और इसी रोज जैसे पहले भी बताया गया है कि शान वयम की अकीदत में जो है वो गीत संगीत होगा और उसका जो वक्त है वो 8 बजे से 12 बजे तक है और जो भी लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो मुर्शिदाबाद या सरबार बनियामीन से जरूर रब्ता करें ताकि आप यहाँ नजराना अकीदत को कसम अमरीत की अकीदत में गीतों की सूरत में आप पेश कर सकें। 8 अक्टूबर की जो दिन है वो रोजे की इबादत ठीक 9:30 बजे हम शुरू करेंगे और जो सारा दिन जो है वो 120 तक के दिन रिसिया के पास है रोजे की इबादत भी वही करेंगे और उस दिन हमारे बड़े माने हुए फादर हैं फादर तार सयाल लाहौर से जो बड़ा अच्छा पैगाम देते हैं, बड़ी आवाज़ है उनकी और बड़े अंदाज में बयान करते हैं तो वो हमारे पास आएंगे, आप जरूर उनका कलाम सुनने के लिए वक्त पर पहुँचे ताकि पहली बात से आखिरी बात तक हम सुने, इसलिए वक्त पर पहुँचे। और उसी दिन कवीत प्रोग्राम होगा जो शाम 5 बजे से 5 बजे शुरू होगा और तकरीबन 7:30 बजे तक जो है वो 2 से 2:30 घंटे हमारे पास होंगे और उस दिन जो है कि तैयारी और जो पेशकश होगी वो रेकोमेशन हाई स्कूल की होगी। और उसी रोज शाम को 9 बजे से 12 बजे तक हमारे पास प्रोफेशनल सिंगर मुश्ताक कस्तावती आ रहे हैं, पिछले साल भी वो आए थे लेकिन बहुत वक्त थोड़ा मिला उसको सुना नहीं गया, उनसे भी दरख्वास्त की गई है कि वो कस्ता हमारी के लिए गीत पेश करेंगे तो वो जरूर आप गीत सुनें ताकि खुदावंद की बरकत छिपाएँ। फिर से याद है कि ये प्रोग्राम नहीं होता, ये गुरुकार था जिसमें हम गामा या सोचता पड़ता है, दरअसल जो गुरुकार आता है प्रोफेशनल सिंगर आता है वो भी हमारी बात की होती है, हम गीतों के साथ पारित करते हैं इसलिए उसमें आप नजम मदद के लिए जरूर क्या रखें। और फिर 10 तारीख को जो है वो सॉरी 9 तारीख को हफ्ते वाले दिन वो सारा दिन जो है हमारा नरेतो की क्रिस्टिया के पास होगा, रोजरी की इबादत वही नदीन के मुताबिक होगी 9:30 बजे से सीरिया और रेतो यूथ ग्रुप जो है वो क्या करेंगे इसकी। और इसी रोज हमारे पास फिर एक और बड़े बुलार फादर हैं, बोलने वाले फादर हैं, लेक्चर बहुत अच्छा करते हैं, जो ओआर में जमात से पता करते हैं वो भी लाहौर से आएंगे, रेवरेंड फादर खान पलूस, आप उनका भी क्लास सुनने के लिए जरूर आए और जो हमारा मौजूदा शबा इसके बारे में जरूर सुने कि किस तरह कस्ता मरीज की सफाशात से बरकतें और शफाएँ मिलती हैं। और उसी दिन शाम 5 बजे से 7 बजे तक 7:30 बजे तक जो है वो कवीत प्रोग्राम होगा और कवीत प्रोग्राम की तैयारी और पेशकश जो है वो इतने बड़े गर्ल्स हाई स्कूल और हमारी दोनों सिस्टर जो है वो करेंगी, आप लोग इसमें हिस्सा लें। और उसी रोज शाम को 9:30 बजे से 12 बजे तक दुआया शिफाया इबादत होगी जिसमें हमारे रेवरेंड फादर वकास रजा हैं वो आएंगे और उनके हाथों में खुदा ने बड़ी शिफा रखी है, आप जरूर अपने बीमारों को साथ लेके आए, तेल पानी को लेके आए और खुदा से शिफा भी हासिल करें। और आखिरी दिन हमारा द्वार का रोज होगा, उस दिन रूटीन के मुताबिक जो है वो 9:30 बजे रोजे की इबादत होगी जिसकी क्यादत जो है वो इब्ने मरियम गर्ल्स हासिल करेगा और इसके बाद हमारे पास जो है वो रेवरेंड फादर आसिफ खंदार मदद जो है वो उस दिन हमारे लिए बात पेश करेंगे जो खुदा मुकद्दस मामलियत के
उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह हमें रिश्ते पाए करती हैं और उनकी इबादत करेंगे और आकर में इजहार शक्ल होगा। जाहिर हमारे फादर अली जो हैं इस सारे प्रोग्राम को चला रहे हैं, बहुत सारे मेहमानों का फादर का जिसका काम करेंगे शुक्रिया अदा करेंगे। फिर मैं प्रकाश करूँगा कि मेहमानत के दिनों में मेहरबानी से अपने घरों में नौजवानों को जो है जरूर बताएं कि वालिद के रस्म वक्त को क्या आपका ख्याल रखें ताकि हम आने वाले मेहमानों को एक अच्छा नमूना दे सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमने पुकारे हैं जुनेद यूसुफ और पास के और मरकनी नरित्व का रहने वाला नकार करेगा सभा प्रवीण डॉक्टर दानियल और प्रवीण 295 फतेहपुर के रहने वाले से इनका नकार 4 अक्टूबर 2021 को सवाल पकड़ा जाएगा। रोहा महात्मा डॉक्टर जेम्स और 22 नकार करेंगे सुलेमान और परवेज और कस्टीना कराची के रहने वाले से इनका नकार 12 अक्टूबर 2021 को मंगल को पकड़ा जाएगा। नबीन शोकर और शोकर के दो मरजदा नरित्व का रहने वाला नकार करेगा जुनैन कायात डॉक्टर सलीम रजा और वायद नरित्व के रहने वाले से इनका नकार 18 अक्टूबर 2021 को सवाल पकड़ा जाएगा। इन साल की ये आखिरी पुकारे हैं। अगर किसी को ऐसी बात से वाकई तो जो नकार में उतारण का सफा बन सकती है तो वक्त से पहले हमें जरूर इतला करें। I love you.